गाइस एमजी कॉमेट ईवी के अंदर आपको 17.3 किलोवाट की बैटरी ऑफर की जाती है, जो एक बार सिंगल चार्ज में लगभग आपको 230 किलोमीटर तक ड्राइव रेंज प्रोवाइड करेगा। एंड इसके अंदर जो मेन मोटर है वहां से जितना पावर एंड टॉर्क निकलता है अप्रोक्सीमेटली आपको 110 न्यूटन मीटर की टॉर्क एंड साथ ही साथ आपको 41.4 बीएचपी का पावर ये जो मोटर है ये आपको प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। तो डेली कमिटमेंट के लिए, सिटी टू सिटी राइड के लिए ये बहुत ही बेहतरीन कार आपको प्रोवाइड किया जाता है। हाय गाइस, वेलकम टू मोटर पेंट वंस अगेन। अभी आप हमारे साथ जो गाड़ी देख रहे हो ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल है एंड इसके डायमेंशन वगैरह काफी छोटी रखी गई है। ये है एमजी की न्यूली लॉन्च्ड एमजी कॉमेट ईवी। तो इसी कार के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की ग्रोथ में मदद कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको इसकी चाबी दिखा देते हैं, एक बार देख लीजिए। ये एप्पल की प्रोडक्ट ही जैसा दिखता है, आप देख लीजिए, एप्पल से इंस्पायर्ड है बेसिकली ये जो की है। यहाँ पे आपको बेसिकली तीन बटन ऑफर की जाती है, लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग स्विच ऑफर की जाती है। पीछे की तरफ आपको एमजी का बहुत ही क्यूट सा एक लोगो भी देखने को मिलेगा। काफी स्क्वायरिश शेप में आपको ये की ऑफर की जाती है। काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो काफी लोगों को पसंद आने वाला है मुझे लगता है। इसकी फ्रंट लुक एंड डिजाइन की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख लीजिए काफी बॉक्सी सा लुक है, लेकिन काफी क्यूट भी दिखता है। यहाँ पे आपको कनेक्टिंग डीआरएल ऑफर की जाती है, आप देख लीजिए बहुत ही ज्यादा प्यारा दिखता है ये डीआरएल, काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। एंड पीछे की तरफ भी सेम डीआरएल, आपको कनेक्टिंग डीआरएल टाइप पीछे की तरफ भी ऑफर की जाती है। यहाँ पे जो मेन हेडलैम्प की सेटअप है ना, ये आप देख लीजिए ड्यूल बैरल प्रोजेक्टर ऑफर की जाती है। आपको एक बार इसको ऑन करके भी दिखा देते हैं। चलिए तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ना आपको जो प्रोजेक्टर ऑफर की जाती है ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपको हाई बीम ऑफर की जाती है आप देख लीजिए, एंड नीचे की तरफ यहाँ पे आपको लो बीम ऑफर की जाती है बेसिकली। एंड इसी के साथ साथ इसकी जो टर्न इंडिकेटर ऑफर की जाती है वो कुछ आपको यहाँ पे माउंटेड देखने को मिलेगा। रेक्टेंगुलर शेप में ऑफर की जाती है कंप्लीटली एलईडी लाइट के साथ। इस कार के अंदर आपको जितने लाइट्स वगैरह ऑफर की जाती है सब कुछ आपको या तो एलईडी में ऑफर की जाती है या फिर आपको प्रोजेक्टर में ऑफर की जाती है। एंड साथ ही साथ इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स भी ऑफर की जाती है। गाड़ी की ओवरऑल जो प्राइस रखी गई है वो आपको बिलो 10 लाख रखी गई है, लेकिन साथ साथ इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स भर भर के डाली गई है। और यहाँ पे ग्रिल की सेटअप भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्लैक टॉप फिनिशिंग के साथ ये बेसिकली आपको मैट ब्लैक में ऑफर की जाती है। रेडिएटर आपको कुछ यहाँ से दिख रहा होगा, आप देख लीजिए ये भी। एंड यहाँ पे ना इसकी जो चार्जिंग सॉकेट वाला एरिया है वो कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बीच में आपको एमजी का लोगो, एंड ये जो एमजी का लोगो है ये भी ग्लो करता है। आपको एक बार ओपन करके इसको दिखा देते हैं, तो देख लीजिए ये जो सॉकेट वाला एरिया है ये कुछ इस तरह ओपन होता है। एंड इसके अंदर आप देख लीजिए चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे इसके ऊपर की तरफ आपको जो बोनेट एरिया ऑफर की जाती है ये भी आप देख लीजिए, काफी छोटा सा बोनेट एरिया है, क्योंकि इसके अंदर जो मेन मोटर की प्लेसमेंट है वो आपको कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इसकी जो मेन मोटर है वो काफी अंदर की तरफ है, तो इस वजह से यहाँ पे बोनेट एरिया आपको काफी छोटा मिलता है। अभी चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ, वहां से इसकी लुक एंड डिजाइन कैसी है वो भी आप एक बार देख सकते हो। यहाँ पे ना इसकी जो ओआरबीएम ऑफर की जाती है ये आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में ऑफर की जाती है, काफी स्टाइलिश दिखता है। जो टर्न इंडिकेटर आता है वो कुछ आपको यहाँ पे माउंटेड देखने को मिलेगा, ये कंप्लीट एलईडी सेटअप में ऑफर की जाती है। यहाँ पे और एक चीज आप देख लीजिए, डिजाइन का ये पार्ट आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है, ये आपको एक क्रोम ट्रीटमेंट ऑफर की जाती है, स्ट्रिपिंग डिजाइन जो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ पूरा सामने आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एंड उसी के साथ साथ उस तरफ भी ओआरबीएम पे जाके खत्म होता है। ये काफी बढ़िया चीज मुझे लगा अभी तक। और यहाँ पे अगर हम इसके व्हील की बात करें तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, जो इसके व्हील कैप वगैरह है ये आपको ड्यूल टोन फिनिश में ऑफर की जाती है, बीच में एमजी का लोगो देखने को मिलेगा। एंड टायर सेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको 145/70 R12 यानी 12 इंच का टायर आपको इसके अंदर ऑफर की जाती है, C8 का टायर आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। अब ये जो कॉमेट ईवी है इसके अंदर आपको सिर्फ दो डोर ऑप्शन ऑफर की जाती है, टू डोर ऑप्शन के साथ ये कार आती है, यहाँ पे आपको फोर डोर ऑप्शन नहीं ऑफर की जाती, लेकिन आपको फोर सीटिंग ऑप्शन जरूर देखने को मिल जाएगा। अब ये चीज क्यों किया गया है, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो ओवरऑल लेंथ है ये 3 मीटर से छोटी है, तो यहाँ पे चार डोर एक साथ मैनेज करना काफी मुश्किल बात है। यहाँ पे आप डोर के ऊपर यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इसकी जो डोर हैंडल्स वगैरह है यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट काफी सारा देखने को मिलेगा, और ये भी काफी ज्यादा स्टाइलिश है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको को ड्राइवर साइड एंड साथ ही साथ ड्राइवर साइड दोनों तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर की जाती है। अब इसके ये जो डोर के बी पिलर वाला एरिया है ये भी आपको काफी पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ ऑफर की जाती है, लुक को और थोड़ा सा एनहांस करके देता है। अब डोर को जैसे आप ओपन करेंगे इसकी इंटीरियर भी आप एक बार देख लीजिए, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रीमियम एंड स्टाइलिश इंटीरियर आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। आप एक बार देख लीजिए, ये काफी हद तक आपको ड्यूल टोन फिनिश में ऑफर की जाती है, ग्रे एंड व्हाइट का ड्यूल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है।
आपको थोड़ी देर बाद इसका इंटीरियर डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसकी रियर प्रोफाइल भी देख लीजिए। और यहाँ पे इसकी जो सी पिलर वाला एरिया है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ना आपको एक इलेक्ट्रिक का ब्रांडिंग ऑफर की जाती है, ये जो ब्रांडिंग है दोनों तरफ आपको ये चीज देखने को मिलेगा। अब रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप इसकी रियर लुक भी एक बार ओवरऑल देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश एंड क्यूट लुक के साथ, मतलब जितना स्टाइलिश है उससे ज्यादा ये क्यूट है। गाड़ी की जो डायमेंशन है काफी छोटी रखी गई है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको फीचर्स काफी सारे भर भर के डाली गई है। तो इसका जो ये रियर प्रोफाइल है ये भी आपको साटिन बॉक्सी डिजाइन के साथ ऑफर की जाती है, आप देख लीजिए। कनेक्टिंग DRL वाला सिस्टम आपको यहाँ पे भी ऑफर की जाती है, लेकिन ये रेड लाइट के साथ ऑफर की जाती है क्योंकि ये स्टॉप लाइट है। तो यहाँ पे और चीज देख लीजिए, यहाँ पे आपको MG का लोगो ऑफर की जाती है क्रोम ट्रीटमेंट के साथ। नीचे यहाँ पे आपको पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा, आप ये भी देख सकते हो। कॉमेट की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है, लेकिन ये क्रोम ट्रीटमेंट के साथ ऑफर की जाती है। इंटरनेट इनसाइड का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है क्योंकि इस कार के अंदर आपको इंटरनेट मिलने वाला है। और इसकी रियर टेल लैंप की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो टेल लैंप है ये आपको काफी स्लिक डिजाइन में ऑफर की जाती है, आप देख लीजिए। कंप्लीट LED सेटअप के साथ आता है एंड साथ ही साथ इसकी ब्राइटनेस भी काफी बढ़िया आपको मिलने वाला है। इसका जो पीछे की टर्न इंडिकेटर है वो कुछ आपको यहाँ पे इसके अंदर ही देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्टर भी आप देख सकते हो, वर्टिकल डिजाइन के साथ ऑफर की जाती है। EV की ब्रांडिंग आपको कुछ यहाँ पे ऑफर की जाती है। पीछे यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर की जाती है, दो पार्किंग सेंसर बेसिकली आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। अब ऊपर की तरफ इसकी जो रियर विंडशील्ड है आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको डिफॉगर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसके साथ साथ आप यहाँ पे इसके हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी देख सकते हो एंड इसके अंदर ना आपको एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी ऑफर की जाती है, ये भी आप देख लीजिए। काफी छोटा सा है लेकिन काफी ज्यादा नेसेसरी चीज है, लुक को और थोड़ा सा एनहांस करके देता है इसकी ये जो स्पॉइलर है। ये एक ऐसे हैचबैक है जो 3 मीटर से छोटा लेंथ में आता है, तो इसके अंदर आपको जितना बूट स्पेस ऑफर की जाती है वो आपको दिखा देते हैं। टेलीट आपको कुछ ओपन करना इस तरह होता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच भी ऑफर की जाती है। कंप्लीट हाइड्रोलिक सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे छोटा सा स्पेस आपको मिलने वाला है जहाँ पे टूल किट वगैरह फिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे फिट नहीं कर सकते क्योंकि ये कार 4 सीटिंग ऑप्शन के साथ आता है। 3 मीटर से छोटा ये गाड़ी है लेकिन इसके अंदर आपको फिर भी 4 सीट ऑफर की जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको बूट स्पेस ना की बराबर देखने को मिलता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप 3 लोग ट्रेवल कर रहे हो तो उस केस में आप इसकी सीट को फोल्ड करके एक सीट अगर आप फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारा स्पेस मिलने वाला है जहाँ पे एक लगेज तो आराम से फिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 लोग ट्रेवल करते हो और भी ज्यादा स्पेस आपको मिलने वाला है। पीछे की दोनों सीट अगर आप एक साथ फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए काफी सारा स्पेस आपको मिलने वाला है एंड ये दोनों सीट आपको 50-50 स्प्लिट में ऑफर की जाती है। अभी चलिए इसकी टेल लाइट को बंद करके आपको एक बार इसके इंटीरियर भी चेक करवा देते हैं, वहां पे आपको क्या कुछ ऑफर की जाती है वो भी आप एक बार देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी हम बैठे हैं MG कॉमेट EV की इंटीरियर पे। बाहर से गाड़ी दिखने में काफी छोटा लगता है ये तो हम सभी को मालूम है, लेकिन अंदर से ना आप जब इसके अंदर बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी स्पेस की कमी महसूस नहीं होने वाला है। ये गाड़ी आपको 4 सीटिंग ऑप्शन के साथ आता है, 4 लोग अगर इसके अंदर बैठते हैं फिर भी आपको यहाँ पे काफी सारा स्पेस देखने को मिलेगा। ना इसकी नीरूम लेकर तकलीफ होने वाला है, ना इसकी हेडरूम लेकर आपको कोई भी तकलीफ होने वाला है। लेकिन बात यह है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसकी बोनेट आपको ना की बराबर देखने को मिलता है, मतलब काफी छोटा बोनेट है एंड इसकी बूट स्पेस भी आपको बिल्कुल नहीं मिलता। इस वजह से गाड़ी की लेंथ छोटा होने के बावजूद भी इसके अंदर स्पेस की कमी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने वाला है। अभी इसकी इंटीरियर की बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स ऑफर की जाती है। 10 लाख रुपया से नीचे आपको ये कार ऑन रोड मिलने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसके अंदर फीचर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने वाला है। अगर आप इसके इंटीरियर पे बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक प्रीमियम कार के अंदर बैठे हो, ना कि बिलो 10 लाख रुपए कार के अंदर बैठे हो। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो आप देख लीजिए, 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पे मिलने वाला है, लेकिन ये आपको लेदर रैपिंग के साथ मिलने वाला है जो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। यहाँ पे बीच में आपको MG का लोगो देखने को मिलेगा। राइट साइड में यहाँ पे आपको कुछ बटन्स ऑफर की जाती है, बेसिकली इंफोटेनमेंट की कंट्रोल्स आपको कुछ यहाँ पे ऑफर की जाती है, वॉइस कमांड वगैरह आप कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। लेफ्ट साइड में भी आपको कुछ कमांड्स ऑफर की जाती है। पीछे की तरफ यहाँ पे राइट साइड पे लैंप्स के जुड़े हुए कंट्रोल्स ऑफर की जाते हैं, जितने भी लाइट्स वगैरह थे उसके कंट्रोल्स आपको कुछ यहाँ पे ऑफर की जाती है। लेफ्ट साइड पे ये आपको वाइपर्स की कंट्रोल ऑफर की जाती है एंड इसके अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे ना आपको टिल्ट ऑफर की जाती है। टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, लेकिन टिल्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब इसकी ओवरऑल डैशबोर्ड की बात किया जाए तो आप देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश दिखते हैं। आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला है कि ये कार आपको 10 लाख से नीचे ऑफर की जाती है, मतलब एक प्रीमियम सेगमेंट की डैशबोर्ड आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। ओवरऑल इंटीरियर इसकी बहुत ही बढ़िया है, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसकी फिनिशिंग भी काफी बढ़िया है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक ऑफर की जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच ऑफर की जाती है।
ये वाला एरिया आपको ग्लॉसी व्हाइट में ऑफर की जाती है। यहाँ पे आपको एक काफोल्डर टाइप स्पेस भी देखने को मिल जाएगा, छोटा सा स्पेस आपको नीचे यहाँ पे भी ऑफर की जाती है। ग्लोव बॉक्स स्पेशली आपको यहाँ पे डेडिकेटेड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन छोटा मोटा सामान आप कुछ यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। एसी वेंट्स आपको कुछ इस तरह ऑफर की जाती है, काफी ज्यादा स्टाइलिश दिखता है। बीच में यहाँ पे आपको एसी वेंट्स ये भी देख लीजिए, राइट साइड पे यहाँ पे भी एसी वेंट्स, मतलब चार एसी वेंट्स आपको यहाँ पे फ्रंट पे ऑफर की जाती है। एंड एसी की रेगुलेशंस वगैरह आप कुछ यहाँ पे देख सकते हो, तीन डेडिकेटेड नॉब आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। अब देख लीजिए एसी की रेगुलेशंस, आपको यहाँ पे फ्रेशनर की रेगुलेशंस कुछ ऑफर की जाती है, वेंटिलेशन की रेगुलेशंस भी आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। इस कार के अंदर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट एसी का देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक भी ऑफर की जाती है। नीचे यहाँ पे आपको यूएसबी की कनेक्शन ऑफर की जाती है, एंड यहाँ पे आपको दो हुक भी ऑफर की जाती है। आप ये भी देख लीजिए, दो डेडिकेटेड हुक ऑफर की जाते हैं, कुछ सामान वामान आप यहां से टांग के लेके जा सकते हो। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ ऑफर की जाती है, जो बहुत ही स्टाइलिश दिखता है। इंटीरियर की जो लुक है, ये कहीं ना कहीं आपको और थोड़ा सा ज्यादा एनहांस करके देता है। अभी इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही ह्यूज मार्च कंडीशन में आपको एक डिस्प्ले ऑफर की जाती है। इस तरफ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर की जाती है, एंड इस तरफ आपको इंफोटेनमेंट की कंट्रोल्स ऑफर की जाती है। अब देख लीजिए टीएफटी स्क्रीन में ऑफर की जाती है, एंड इसके अंदर आपको ना एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों की सपोर्ट ऑफर की जाती है। काफी सारे एप्लीकेशन आप कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, वो भी आप देख लीजिए। इसकी अगर हम टच रिस्पॉन्स की बात करें तो ये भी आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही बढ़िया टच रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है, कोई भी लैगिंग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। आप देख लीजिए एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों की सपोर्ट आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये भी आपको डिजिटली ऑफर की जाती है, काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। आप ये भी देख सकते हो कंप्लीटली डिजिटल ऑफर की जाती है। राइट साइड पे यहाँ पे आप स्पीडोमीटर देख सकते हो, बैटरी की परसेंटेज वगैरह ये भी शो करता है। ड्राइव रेंज फिलहाल आप देख सकते हो 200 किलोमीटर है, मतलब 100% चार्ज है गाड़ी के अंदर, तो 100% चार्ज में इसकी ड्राइव रेंज 200 किलोमीटर के आसपास आपको मिलने वाला है। नीचे आपको ऑडोमीटर ऑफर की जाती है, बीच में आपको एक एनिमेशन ऑफर की जाती है, ये देख लीजिए बहुत ही ज्यादा प्यारा दिखता है। ये एनिमेशन बेसिकली कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो करता है, जैसे कि अभी पीछे की जो टेल लैंप है वो ऑन है तो उसकी इंडिकेशंस दे रहा है, एंड साथ ही साथ इसकी जो बूट लीड है वो भी ओपन कंडीशन में है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये चीज शो कर रहा है। एंड इसके अंदर और भी बाकी सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है, मल फंक्शन की इंडिकेशन वगैरह, एंड गाड़ी की मोड्स भी आपको कुछ यहाँ पे शो करेगा। जैसे अभी गाड़ी फिलहाल इको मोड्स पे, तो उसके लिए इको की इंडिकेशन आपको यहाँ पे शो करता है। इसकी जो गियर नॉब ऑफर की जाती है, ये भी आप एक बार देख लीजिए, राउंड शेप में ऑफर की जाती है, एंड ये भी काफी ज्यादा स्टाइलिश ऑफर की जाती है। कंप्लीट व्हाइट कलर में ऑफर की जाती है, के साथ यहाँ पे आपको सिल्वरिश फिनिशिंग भी ऑफर की जाती है। सर्कुलर शेप में काफी ज्यादा स्टाइलिश दिखता है, एंड यहाँ पे आप इंडिकेशंस देख सकते हो, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड चार्जिंग वाले इंडिकेशन आपको कुछ यहाँ पे शो करते हैं। गाड़ी फिलहाल न्यूट्रल कंडीशन में है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक लाइट भी ऑन होता हुआ दिखेगा न्यूट्रल के ऊपर। यहाँ पे पीछे की तरफ आपको यहाँ पे दो डेडिकेटेड बटन ऑफर की जाती है, ऑटो एंड विंडो ग्लास रोल डाउन रोल अप करने के लिए स्विच यहाँ पे ऑफर की जाती है। पीछे यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक भी ऑफर की जाती है, ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड आर्मरेस वगैरह ड्राइवर के लिए खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके इनसाइड डोर डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए काफी सारे एक ह्यूज स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। दो से तीन वाटर बॉटल इसके अंदर आराम से फिट हो सकते हैं, यहाँ पे आप अम्ब्रेला भी होल्ड करवा सकते हो। यहाँ पे ना ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट ऑफर की जाती है, ये काफी यूजफुल चीज है। एंड ग्रैब करने के लिए आपको यहाँ पे छोटा सा स्पेस भी ऑफर की जाती है। लॉकिंग अनलॉकिंग जो लीवर आता है ये आपको क्रोम ट्रीटमेंट के साथ ऑफर की जाती है, ये भी आप देख सकते हो काफी बढ़िया है। ट्विटर भी आपको कुछ यहाँ पे ऑफर की जाती है, ये भी आप देख सकते हो। एंड ये जो डोर डिजाइन है, मतलब इसकी ओवरऑल जो इंटीरियर वगैरह है, डोर की इनसाइड डिजाइन वगैरह सब कुछ आपको ड्यूल टोन फिनिशिंग में ऑफर की जाती है। दोस्तों इसके ड्राइवर साइड पे जो सीट ऑफर की जाती है ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल मुझे अभी तक फिलहाल महसूस हुआ है, लेकिन इसके रियर पे जो सीट ऑफर की जाती है वहां पे कितना कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है वो भी आपको एक बार बैठ के दिखा देते। चलिए दोस्तों, इसके रियर सीट पे बैठने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड डोर्स ऑफर नहीं की जाती, आपको ड्राइवर साइड पे ये जो डोर आता है इसकी मदद से एंटर करना पड़ेगा। आपको दिखा देते, लेकिन उससे पहले आपको ये जो सामने की दो सीट आते हैं इसको आगे की तरफ थोड़ा सा खींचना होता है, आपको दिखा देते। तो देख लीजिए कुछ इस तरह आप ये जो सीट आता है इसको आगे की तरफ खींच सकते हो, एंड साथ ही साथ इसको इंक्लाइन भी कर सकते हो इतना। अभी हम इसके अंदर बैठ के आपको दिखा देते हैं। अब ये जो इसकी रियर सीट है यहाँ पे बैठने में थोड़ा सा दिक्कत मे बी सीनियर सिटीजन को होगा, लेकिन अगर कोई यंग पर्सन होगा तो वो इसके साथ यूज टू हो जाएगा बहुत ही जल्दी। लेकिन यहाँ पे जितना कंफर्टेबिलिटी ऑफर की जाती है आप देख लीजिए, सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड यहाँ पे जितना नीरूम ऑफर की जाती है मेरे हिसाब से यहाँ पे डिसेंट सा नीरूम आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। हेडरूम की बात करें तो ये भी आप देख सकते हो, काफी बढ़िया हेडरूम आपको यहाँ पे होने वाला है, मतलब इसकी हेडरूम नीरूम लेकर कोई भी तकलीफ आपको होने वाला है नहीं। गाड़ी 3 मीटर से छोटा आता है, लेकिन इसके अंदर फिर भी आपको काफी ज्यादा रिलैक्सिंग सिटिंग पोस्चर मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको बोनेट एंड बूट
कुछ भी आपको ऑफर नहीं की जाती, तो इस वजह से इसके अंदर चार लोग इजीली बैठ सकते हैं, कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होगा। सीट आपको 50-50 स्प्लिट में ऑफर की जाती है। अगर आप मान लीजिए तीन लोग ट्रेवल कर रहे हो तो एक सीट आप फोल्ड करके थोड़ा सा बूट स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो। अभी चलिए एक बार ना आपको इसकी बोनेट भी ओपन करके दिखा देते, क्या आपको उसके अंदर खास ऑफर की जाती है वो भी आपको एक बार दिखा देते। चलिए गाइस, अभी समय आ चुका है इसकी बोनेट को ओपन करने का, तो इसको ओपन करके आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या ऑफर की जाती है। चलिए यहाँ पे बोनेट ओपन करने की जो स्विच आता है ना, वो आपको दो बार प्रेस करना होता है, फिर ये ओपन होता है। काफी छोटा सा बोनेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो इसके अंदर आपको मोटर नहीं देखने को मिलेगा। अब क्या ऑफर की जाती है ये आप देख लीजिए, इसकी जो मेन मोटर है ना वो आपको काफी अंदर की तरफ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी ये बोनेट एरिया काफी छोटा करना पॉसिबल हुआ है। अब यहाँ पे जो जो चीजें ऑफर की जाती है वो आप एक बार देख लीजिए। ब्रेक ऑयल आपको कुछ यहाँ पे ऑफर की जाती है, एंड इसकी वाइपर की पानी डालने की जगह आपको कुछ यहाँ पे ऑफर की जाती है। बाकी इसकी मोटर काफी अंदर की तरफ, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली ओपन एरिया देखने को मिलता है और कुछ खास आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये जो बोनेट है काफी ज्यादा लाइट वेट आपको मिलने वाला है। अभी चलिए इसको बंद भी करके आपको दिखा देते हैं, कुछ इस तरह इसको बंद करना होता है। सो फाइनली MG Comet की ये जो रिव्यू वीडियो था, ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल की ओवरऑल ग्रोथ में मदद कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।